हेलो दोस्तों, आज हमारी फैक्ट्री में बन के तैयार हुआ है चाय के लिए और मोमोज के लिए स्पेशल काउंटर, जो कि हमने अपने कस्टमर के लिए बनाया है। ये आउट ऑफ आगरा जा रहा है, तो अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस तरीके का आपको कार्ड चाहिए, तो उस तरीके का हम कार्ड बनाएंगे और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर हमने यहाँ पर एक शेल्फ़ दी है, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी शेल्फ है, जो कि आपके कस्टमर को सर्व करने में आसानी होगी। आप यहाँ कुक करेंगे और यहाँ सर्व करेंगे तो अपने कस्टमर को आप इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने इसके अंदर एक लिया है बर्नर जिसपे आप चाय बनाएंगे, और एक बर्नर लिया है हमने यहाँ पर इसके अंदर आप अपना मोमोज का कंटेनर रख सकते हैं, स्टीमर लगा सकते हैं। और मैं सामने आपको इसके अंदर दिखाना चाहूँगा, यहाँ देख सकते हैं हमने इसके डोर के अंदर LED लाइटिंग ली है, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर LED लाइट ली है, और ये शेल्फ दिया है। कस्टमर यहाँ पर अपनी चाय रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, या मोमोज की प्लेट और चटनी रख सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये हमने टोइंग एंगल दिया है इसके अंदर, जो देख सकते हैं कितना यूनिक है। इसे आप कनेक्ट करके अपनी बाइक से अपना चलता फिरता रेस्टोरेंट कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसके आगे फ्रंट पर मैं दिखाऊँगा, ये हमारी कंपनी का नाम है हमजा इंटरनेशनल, जो कि देख सकते हैं आगरा में मौजूद है। और ये हमने इस पर डिजिटल विनाइल दी है, ये नियॉन लाइट दी हमने इसके अंदर, जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ जो है हमने क्रिएट करके इसमें लगाए हैं। स्पेशल हमने इसकी फ़ोटोग्राफी कराई है ताकि आपके लिए एक अच्छा सा ब्रांडिंग जो हम तैयार कर सकें। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये डोर है, इसे ईजिली आप क्लोज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे इसके अंदर हमने एक LED बोर्ड दिया है, जो कि अपने कस्टमर ने जो नाम दिया था टी प्लाज़ा ऑन व्हील और मोमोज के लिए, तो हमने ये तैयार करके दिया है। इसके अंदर देख सकते हैं एलॉय व्हील दिए हैं हमने, आगे भी एलॉय व्हील दिए हैं और पीछे भी एलॉय व्हील दिए हैं। ये दो व्हील जो हैं इसमें मूवेबल हैं, इसे आप टर्न कर सकते हैं बाइक से अपनी कनेक्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और इस साइड में अगर आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगा आपको, इसके अंदर हमने एक मेन्यू बोर्ड दिया है जिसका साइज़ है 2x1.5। इसे आप यहाँ से खोल के जो भी आप काम करना चाहते हैं मेन्यू बदल सकते हैं, कभी भी जो भी कुछ करना चाहते हैं इसे बदल के आप इसमें लगा सकते हैं। और इसके नीचे बात करूं तो यहाँ शेल्फ है, और इसके नीचे बात करूं तो 5x2.5 का इसके अंदर काफ़ी बड़ा स्टोर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टोर है इसके अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप इसे बंद करके कहीं भी ले जा सकते हैं और अपना सामान पूरा पैक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इसे लॉक कर सकते हैं, आगे से भी इसको आप लॉक कर सकते हैं, और ये साइड देखेंगे आप इसे भी आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं, आप इसे यहाँ से भी इसको लॉक करके आप यहाँ पर इसमें ताला लगा सकते हैं, यहाँ से लॉक और यहाँ पर इसमें आप ताला लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से इसे इजीली खोल सकते हैं, हाइड्रोलिक शॉकर लगे हैं इसके अंदर, सब सारी साइड से आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, हमारी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।